मार्केट में क्यों खड़े हैं, इस मार्केट के अंदर क्यों व्यापारी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये सब आपको मालूम है। ड्यूक का शोरूम बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ पर दो दिन पहले यहाँ पर यानी कि फिरौती मांगी गई थी यहाँ के मालिक के बाद, उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि भी 24 घंटे के अंदर अगर ये दहशतगर्द ये बदमाश नहीं पकड़े गए तो अनिश्चितकालीन धरना दे दिया जाएगा। आपको दिखा रहा हूँ कि ये दुकानें बंद हैं आज व्यापारियों के आह्वान पर, मार्केट के आह्वान पर, और यहाँ पर व्यापार मंडल श्रम व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष भी बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अनिश्चितकालीन धरना आपका किसके लिए लगाया गया है। दहशतगर्द यहाँ 50 लाख की फिरौती मांग कर शाह गोई से निकल जाते हैं, स्कूटी पर आते हैं और बंदूक लहराते हुए फायर करते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद 24 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद भी पुलिस नहीं जागी, शिनाखत होने के बाद भी बदमाश नहीं पकड़े गए, तो व्यापारियों के अंदर खासा रोष नजर आ रहा है। श्रम व्यापार मंडल के प्रधान यहाँ बैठे हैं बजन दास गर्ग जी, और ये बराबर इस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि भी ऐसे बदमाश, ऐसे गुंडागर्द, ऐसे अनसोशल एलिमेंट्स को पकड़ा जाए और व्यापारियों के सुरक्षा प्रदान की जाए। आइए बात करते हैं बजरंगदास गर्ग जी से। बजरंगदास गर्ग जी सर्व व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ बताइएगा ये आज अनिश्चितकालीन धरना है इसलिए है 50 लाख की जो हमारे व्यापारी बैंक से जो फोर्टी मांगी है, और पुलिस प्रशासन ने अभी तक 40 घंटे बीतने के बावजूद भी उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया, उसके विरोध के अंदर ये अनिश्चितकाल धरना है और पूरे व्यापारियों में, उद्योगपतियों में, आम जनता में, पुलिस प्रशासन में, सरकार के प्रति बड़ा रोष है और नाराजगी। जब एक पुलिस शिक्षक ये कहता है भी हम जल्द पकड़ लेंगे 24 घंटे में, अभी तक नहीं पकड़ा गया, तो व्यापारी के पास शनाखत हो गई, उन्होंने खुद बताया शनाखत हो गई है, फलाना आदमी है, फलाना जगह रहता है, सारी शनाखत उन्होंने बताई, खुद बताई तो शनाखत हो चुकी है, तो भाई इंतजार किस बात का है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उनके जो गैंग है, उनके जो आदमी है, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, यह बड़ा भारी चिंता का विषय है। पुलिस बरगरा रही है आप लोगों को? पुलिस बरगरा क्या रही है, पुलिस फाइनल है, फेल हो चुकी है अपराध को अंकुश लगाने में, अपराधियों को पकड़ने में। आपके सामने परसों तो फोर्टी मांगी है और रात को फिर हस्ती बता रहे टूट के, छह दुकानों का फिर टूट गए। आज एक पत्रकार साथी हमारा नागपाल जी उसके बाद वो आ रहे के अंदर तोड़ फोड़ भी कर गए, हम है दुकान को कोई ऐसा चोरी भी हुई है, ऐसी स्थिति है। नू बता दो फांसी की पुलिस भी ये वारदात तो हुई, हमने इस चोरी का माल बरामद कर लिया या हमने अपराधियों को पकड़ लिया, एक भी तो चोरी का माल बरामद नहीं कर पाई, एक भी अपराधी को पकड़ नहीं पाई, कैसे विश्वास करें? ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा आपका? जब तक 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले अपराधी नहीं पकड़ते तब तक धरना जारी रहेगा। आगे ये बाजार के हमारे सैनिक साहब प्रधान बैठे हैं, जो ये निर्णय देंगे पूरा हाथी सात जिला हरियाणा इनके साथ है, आगामी कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, इसमें हाथी बंद भी, हरियाणा बंद भी, जिला बंद भी। मेरी पुलिस प्रशासन से एक स्पष्ट तौर पे कहना है, घुल मिल रवैया छोड़ दे, हाथी के व्यापारी में जो उद्योगी आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करे और अपराधियों को पकड़ कर उनका ऐसा इलाज करे ताकि कोई अपराधी हाथी के अंदर लूटपाट चोरी की वारदात करने की हिम्मत ना कर सके। आज पुलिस मार्केट बंद है, बिल्कुल आगे कोई जिले की बात करेंगे जिले ले लेंगे शहर, मतलब किसी कीमत पर जब तक ये अपराधी नहीं पकड़े जाते आंदोलन जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस प्रशासन कुछ भी कर ले ना तो व्यापारी झुकेगा ना झुका है, और हर प्रकार की लड़ाई करने के लिए अपनी अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए
कौन राजेश सैनी जी पार्षद बताइए। ऐसा है जी, 24 घंटे का टाइम पुलिस को दिया था और 40 घंटे हो चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और कल हमने सुबह ऐलान किया था इस बात का भी, अल्टीमेटम दिया था, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हमारी मार्केट बंद रहेगी कल और आगे भी, जब तक गिरफ्तार नहीं होते बर्मा से अनिश्चितकाल बंद रखेंगे हम पूरी मार्केट को। और आज हमारी मार्केट बंद है, सभी प्रधानों से मीडिया के माध्यम से मैं कहने चाहूँगा कि कल अपने अपने प्रस्थान अपनी मार्केटें बंद रखें हमारे सहयोग दें, ताकि शहर में जो आफत आई हुई है इसे छुटकारा मिल सके। कल मार्केट बंद कराएंगे और जरूरत महसूस हुई तो पूरा शहर बंद कराने का काम करेंगे। मेरे साथ व्यापारी नेता प्रवीण कायल जी, फायर ब्रांड नेता प्रवीण कायल जी बैठे हैं, बताइए कितना रोष है, कितना तनाव है और कितना आक्रोश है व्यापारी के चेहरे पर, दहशतगर्द अभी तक नहीं पकड़े गए। व्यापारी नहीं, व्यापारी के बच्चों में भी रोष, उनके घरों के बच्चों में भी रोष है कि जो अमन चैन यहाँ पर हमने बड़ी मुश्किल से कायम किया था, लेकिन अब कुछ दिनों के अंदर वो अमन चैन दोबारा छिनता जा रहा है। और पुलिस प्रशासन हर मामले में फेलियर है, चाहे वो चोरी का मामला हो, चाहे वो डकैती का मामला हो, चाहे वो फिरौती का मामला हो। एक थोड़े से पीरियड के अंदर और इतनी घटनाओं का हो जाना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल या निशान उठा रहा है कि यहाँ से की पुलिस कर क्या रही है। जहाँ एक SHO बैठता था, आज वहाँ SP बैठा है, 5-5, 4-4 DSP बैठे हैं और सैकड़ों की संख्या में 1150 के लगभग पुलिस कर्मचारी बैठे हैं और फिर इतनी वारदात है, वो क्या रहा है इसका मतलब? खुलेआम मैं तो पुलिस पे आरोप लगा रहा हूँ कि वो कुंडों से मिली हुई है, वरना ऐसा नहीं होता कि एक भी चोरी बरामद न होए, एक भी जो है लूटपाट वाला बरामद न होए और एक भी रोटी वाला अभी तक ना मिला। जब ये लोग कह रहे हैं आइडेंटिफाई, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन क्लियर है, अगर ये आज मसला हल हो जाता है तो ठीक है, वरना मासी के व्यापारियों की मीटिंग बुलाएंगे तुरंत कल या परसों के अंदर। और बिल्कुल जैसा इस मार्केट के लोग चाहते हैं कि हाँसी बंद का आह्वान है, हम हाँसी बंद का आह्वान पक्का करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। मेरे साथ सर्व व्यापार मंडल हाँसी के प्रधान बजरंग बंसल जी बैठे हैं, कल भी इन्होंने बहुत बोला था, आज क्या कहने हैं? यह अनिश्चितकालीन धरना है, एक मैग नामक व्यापारी को 50 लाख नया नया शोरूम खोला था, तो क्या बिजली होगी? तो आप सब जानते हैं व्यापार देख रहा हूँ, आज अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, बताइए। हमारा जो है कोई हम बदमाश से डरने वाले नहीं है, ना ही किसी बदमाश की ताकत, ना ही कोई बदमाश पैदा हुआ हमारे से विरोधी ले जाए, ये उनकी भूल है। पिछले 20 सालों से 25 सालों से व्यापार मंडल संघर्ष कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बैठे हैं, मार्केट के प्रधान के जो आदेश होंगे वो सारा शहर, सारा हरियाणा उनके साथ। हमारी सिर्फ पुलिस के खिलाफ रोष है, सरकार के खिलाफ रोष है, हमारा बदमाशों से हम डरने वाले नहीं है, ना किसी बदमाश की ताकत हमारे से एक पैसा। 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद 40 घंटे जारी रहेगा धरना हमारा। नहीं, बदमाश की शिनाखत हो चुकी है, पुलिस कह रही है, गिरफ्तार करेंगे जब पता लगे। आप कितना विश्वास करते हैं पुलिस? कोई विश्वास नहीं कर रहे जब तक सामने प्रमाण नहीं आएगा, जब तक अपराधी न पड़े के विश्वास। क्या विश्वास? SP महोदय यहाँ ये लॉलीपॉप दुसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे वाले नहीं है, गिरफ्तार प्रत्यक्ष को प्रमाण। ये व्यापारियों के चेहरे पे आप तनाव साफ देख सकते हैं, इनका कहना है कि पुलिस हमें लॉलीपॉप दे रही है और बार बार आश्वासन दे रही है, 40 घंटे बीत जाने के बाद भी, यानी कि शिनाखत की बात कर रही है पुलिस की, बदमाशों की शिनाखत कर ली गई है लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं। ना कोई काम कर रहा है, ना कहीं चोरी बरामद हो रही, ना कोई फिरौती वाले, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मैं अनाज मंडी का प्रधान होने के नाते जब हमारे प्रधान जी सर्व व्यापार मंडल के बजरंग जी बैठे, जैसा आदेश करेंगे हम अनाज मंडी को पूरी तरह बंद करेंगे और व्यापारियों के साथ है। और प्रधान जी कह दिया और मैं भी कह रहा हूँ, हम डरने वाले नहीं है, ना तो आज तक हम किसी बदमाश से डरे और किसी ने। इलाहाबादी जी बैठे हैं, आप इस मार्केट के प्रधान रह चुके हैं, तो क्या लगता है आपको इसमें
कितनी नाकाम रही है। जबकि पुलिस की जो ड्यूटी है ना बिल्कुल नहीं निभा रहे, उनकी ड्यूटी होती है कि व्यापारी अमन चैन से अपना व्यापार करे, लेकिन यहाँ की पुलिस अभी एक चोरी होती है वो मिलती नहीं दूसरी चोरी हो जाती है। ये देखिए आप साफ देख रहे हैं कि ये व्यापारियों के चेहरे पे तनाव किस कदर फैला हुआ है, किस कदर ये बेहक्रांत है और किस कदर ये क्यों बैठे हैं धरने पे अपना काम छोड़कर, इसलिए बैठे हैं कि इनकी सुरक्षा को डर है, ये व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, इनको फिरौत मिल रही है बार बार, इनको टेररिज किया जा रहा है। ये देखिए इनका आक्रोश आप साफ देख सकते हैं, पुलिस इनको आश्वासन दे रही है, शिनाखत होने के बावजूद भी यानी कि दहशतगर्द नहीं पकड़े जा रहे हैं। इनका अनिश्चितकालीन धरना यहाँ है, उसके बाद ये आगे अपनी रणनीति तय करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी यहाँ सर्व व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, सर्व व्यापार मंडल के हादसे के अध्यक्ष हैं, मार्केट के अध्यक्ष अजय सैनी जी बैठे हैं। इनका कहना है कि अगर पुलिस ने निर्णय नहीं लिया तो इसके बाद पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। मैं राजीव बंसल फिर आपसे मुखातिब हूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा हादसे के आवाज़।